स्टेट बॉडी हूँ। मैं उद्योग विभाग में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के परिसर में एज ए प्रशिक्षिका के तौर पे अपना योगदान दे रही हूँ। मैं पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में हूँ। लगभग वर्ष 2000 से मैं इस शिल्प में काम कर रही हूँ। इस दौरान मैंने करीब हजारों बच्चों को इसका प्रशिक्षण भी दिया है। बच्चे प्रशिक्षण के दौरान बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं, एप्लीके करने के तरीके को, एप्लीक कैसे करते हैं, एप्लीक के बारे में जानकारी, एप्लीक कहाँ से शुरू हुआ, एप्लीक का उद्भव कहाँ से है और आज तक में वो एक एज ए डिज़ाइनर प्रोडक्ट के तौर पे कैसे मार्केट में मूव कर रहा है, इसकी जानकारी, वहाँ तक की जानकारी बच्चों को यहाँ पे दी जाती है, जिसमें बच्चे इन चीज़ों को सीख कर आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए तैयार होते हैं, जो कि बाज़ार जिस दौरान उन्हें बाज़ार के से भी अवगत कराया जाता है कि प्रोडक्ट हमारे जो भी बनते हैं वो किस हिसाब से बाज़ार के माफिक बनाए जाएँ ताकि हम उसको बाज़ार में बेच सकें। और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान का ये उद्देश्य होता है कि जो बच्चे यहाँ जिस भी शिल्प में सीख रहे हैं वो आगे जाकर अपने करियर एज ए करियर उसको डेवलप कर सकें और इसमें एक मुकाम हासिल कर सकें। इसलिए इस प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, प्रोडक्शन तक की बात लेकर और मार्केटिंग तक सिखाया जाता है उनको, ताकि बच्चे अपने प्रोडक्ट को इस लेवल तक ला सकें कि वो कल को अगर इसमें अपना उद्यम करना चाहें या अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहें तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान डायरेक्ट मार्केट भी उपलब्ध कराता है, जैसे कि हमारा जो भी कलाकार यहाँ पे हैं या जो भी शिल्प के लोग हैं वो अपना प्रोडक्ट तैयार करके उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में देते हैं और संस्थान के द्वारा उनको बाज़ार मुहैया कराया जाता है, जिससे उनके जीवन यापन में आसानी होती है और एक हद तक इतना सपोर्ट होता है उपेंद्र महारथी का, जिससे कि हमारे कलाकार या हम शिल्पी एक अच्छा जीवन ये कर रहे हैं और एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान के उद्योग विभाग के साथ इस तरह का कार्य कर रहा है, जिसमें शिल्पियों के विकास के लिए ट्रेनिंग है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ें उपेंद्र महारथी मुहैया करा रहा है और हम शिल्पकारों को या शिल्पियों को इससे बहुत सुविधा मिल रही है।